वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर हिना यास्मीन, एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और आज मैं आप लोगों को मौत अल्सर यानी मुंह में जो घाव होते हैं जिसे हम छाला भी कहते हैं उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रहेगी, कौन सी मेडिसिन इसमें बेस्ट रहेगी, इसके बारे में बताऊँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। दोस्तों, ये जो मुंह के छाले होते हैं ये हमारे मुंह के अंदर के जो स्किन होते हैं जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, उस म्यूकोसा में जो किसी भी कारण से अगर कोई घाव हो जाए तो उसे ही हम छाले कहते हैं। और ये छाला होता है ये कुछ लोगों में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ और परेशान करने वाला होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जलन और दर्द भी होती है जिससे व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी खाने पीने में उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी होती है। दोस्तों, ये मुंह के जो छाले हैं ये बहुत से कारणों से होते हैं, खट्टी चीज़ें या ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से भी या फिर ज़्यादातर कब्ज़ रहने से भी ये मुंह के छाले होते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुंह में किसी भी तरह के चोट लग जाते हैं, जैसे कभी कभार खाने के दौरान अगर जो अंदर का स्किन है अगर वो दांतों के बीच में आ जाए या फिर ज़बान अगर दांतों के बीच में आ जाए तो अगर वहाँ किसी भी तरह का चोट लग जाए और चोट के कारण घाव बन जाए तो उससे भी छाले होने की समस्या देखने को मिलती है। और अगर किसी व्यक्ति में ज़्यादातर अगर विटामिन बी की कमी हो रही तो उनमें भी ये विटामिन B12 अगर ज़्यादा कमी रहा तो उसकी वजह से भी ये आपको छाले होने की शिकायत हमेशा बनी रहती है। और इसके अलावा अगर कुछ महिलाओं में जब हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होती है तो उनमें भी बार बार छाले आने की समस्या देखने को मिलती है, ख़ास करके उन महिलाओं में जिनमें मेनोपॉज की समस्या होती है। मेनोपॉज के दौरान उनमें फ्लशेस ऑफ हीट की समस्या देखने की मिलती है, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी जब बनने लगती है तो उस वजह से भी छाले बार बार मुँह में आने लगते हैं। तो अगर आपको बार बार छाले आ रहे हैं और ये छाले महीनों तक अगर आपको रह रहे हैं तो ऐसी समस्या में आपको डॉक्टर से ज़रूर एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। तो इस तरह की समस्या में, इस छाले की परेशानी में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट रहेंगी, आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली होम्योपैथिक दवा है बोरक्स। अगर आपके मुंह में छाले हैं और छाले की वजह से आपको कुछ भी खाने या पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, छालों में बहुत ज़्यादा दर्द है, जलन है और वो जो छाला है वो सफ़ेद रंग का है और जो बार बार अगर आपको छाले आने की परेशानी हो रही है तो ऐसी समस्या में आप पे बोरिक्स दवा 30 पोटेंसी में 4 से 5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, इसे आप कुछ दिनों तक लगातार लेते रहें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और सबसे बेस्ट मेडिसिन है मुंह के छालों के लिए। तो दूसरी होम्योपैथिक दवा है मर्कसोल। अगर आपके मुंह में छाले हैं और शुरुआती दौरान में ये छाले हैं वो बिल्कुल लाल हो, रेडनेस हो, इस छाले में चुभन भी हो, जलन भी हो और रात में खास करके ये जो छाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा जलन हो जाए, तकलीफ बढ़ जाए, तो ऐसी समस्या में आप मर्कसोल दवा 30 पोटेंसी में से आप लें 4 से 5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, कुछ दिनों तक लगातार इसे ज़रूर लें, ये बहुत ही जल्दी आपके छाले को ठीक कर देगी। तो तीसरी होम्योपैथिक दवा है नाइट्रिक एसिड। अगर आपके पूरे मुँह में छाले हो जाएँ, गालों के अंदर छाले हो, जीभ के किनारे छाले हो या फिर पूरे मसूड़े में भी अगर आपको छाले हो जाएँ और इन छालों में सूजन हो, दर्द हो, जलन बहुत ज़्यादा हो, तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो कि व्यक्ति को खाना खाने में भी, एक निवाला ठीक से चबाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए तो ऐसी समस्या में आप पे नाइट्रिक एसिड दवा 30 पोटेंसी में आप सुबह, दोपहर, शाम 4 से 5 बूंद ये दवा आप लगातार ज़रूर लें, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में। तो दोस्तों, ये थी कुछ होम्योपैथिक दवा मौत अल्सर के लिए, मुंह में छाले के लिए। और इसके साथ ही आप अपने मुंह के साफ़ सफाई का भी ज़रूर ध्यान रखें, कुछ भी खाने के बाद आप अपने मुंह को ज़रूर कुल्ला कर लें, साफ़ ज़रूर कर लें, दिन भर में 2 बार ज़रूर ब्रश करें, सुबह और रात में तो ज़रूर आप ब्रश करके रखें और अपने मुँह के साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और आगे किसी भी होम्योपैथिक दवा से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।